गोवंडी शिवाजी नगर के मोबाइल शॉप में हुई चोरी, 8 लाख रुपए के मोबाइल पे चोरों ने किया हाथ साफ। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ लाइव। 13 सितंबर की रात गोवंडी शिवाजी नगर के गजानन कॉलोनी में स्थित दुकान मोबाइल हब, जहां एक मोबाइल की दुकान है, यहां पर कुछ अज्ञात लोगों ने मोबाइल की चोरी को अंजाम दिया। इस दुकान के शटर को तोड़ करके जो है करीब 8 लाख रुपए के जो है मोबाइल फ़ोन यहाँ से चोरी कर लिए गए। इसमें इत्तेफाक की बात ये रही कि ठीक एक दिन पहले ही इस मोबाइल का जो कैमरा था इस दुकान का वो बंद था, उसके चलते चोरों ने बहुत सतर्कता से इस मोबाइल की दुकान में अपना हाथ साफ किया। इस घटना का जो सीसीटीवी, इसकी बगल की जो दुकानें हैं उस दुकानों में इसका जो चोरों का जो है फ़ोटो जो सीसीटीवी में कैद हुआ है, लेकिन ये लोग कौन है इसमें इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन ने जो है इस अज्ञात लोगों के खिलाफ में चोरी का मामला दर्ज किया है, लेकिन अभी तक का सभी के सभी लोग वांटेड बताए जा रहे हैं। अब तक का कोई पुलिस की पकड़ में अब तक नहीं आया। वहीं इस मामले में इस शॉप के जो ओनर है जहां चोरी हुई थी उनसे बात करेंगे हम लोग, के क्या मामला हुआ था, कैसे इन्हें चीज़ों का पता चला, क्या क्या मामला हुआ था, कैसे मालूम पड़ा आपको? मॉर्निंग में मैं सुबह 11:16 को दुकान जैसे ही ओपन किया ना, देख हाफ शटर ऊपर किया तो इधर पे देख रहा हूँ पूरा स्टॉक पूरा खाली था, सिर्फ इस रो में मोबाइल रखे थे थोड़े बहुत। फिर मैं अपना क्लीनिंग का सामान जैसे ही बाहर निकाला और फिर ये बाजू से अंदर एंटर हुआ, देखा तो ज़मीन में पूरे बॉक्स फटे हुए मिले मुझे। मैंने अपने ओनर को 11:19 को वीडियो कॉल लगाया कि इधर ऐसा ऐसा हो गया, जल्दी आ। वो जैसे आया फिर मैं 11:30 को 100 पे कॉल लगाया 100 नंबर पे, और उन लोग को मैंने बोला कि मेरे शॉप में चोरी हुई है। तो मैंने 2 बार कॉल लगाया तो देखा तो मुझे 5 से 10 मिनट के अंदर पुलिस का मतलब जो भी है सीनियर इनियर वो लोग आ गए थे यहाँ पे। फिर वो लोग वेरीफिकेशन किए, अब उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं कैसा वो लोग किए वो अपने को इतना आइडिया नहीं है। बाकी बाजू में एक मलिक डॉक्टर है, उसके बाजू में हार्डवेयर की दुकान है, तो उसके वीडियो में थोड़ा सा वो लोग आए बैठे हुए दिखे हैं, और कुछ वीडियो हमारे को साहिबा चाय की दुकान है यहाँ पे वहाँ से मिले हमारे को, बट अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ ये लोग कौन है क्या है। और मुझे एक हफ्ता हो गया शायद, आई थिंक अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया है, क्योंकि हम लोग को अभी कैसा ना धंधा करना है। मैं खुद पगार पे हूँ, अगर मैं धंधा करूँगा तो मेरा सेठ मुझे पगार देगा, तो मुझे मेरे को ये रिस्पॉन्स जल्द से जल्द चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत लॉस में आ गए। ये कितने कितने मोबाइल चोरी हुए, कितने अमाउंट का? 50 मोबाइल आई थिंक गए, वो 117 मोबाइल थे टोटल, जब हम लोग वापस काउंटिंग किए तो 66 अवेलेबल था। 48 बॉक्स मतलब हमारे को काउंटिंग में मिला है, 3 बॉक्स मिसिंग है, मतलब बॉक्स के साथ लेके गए रहेंगे, क्योंकि हमारे को एग्जैक्ट 48 मिला है और 3 हमारे को मिला नहीं है, क्योंकि मैं डेली का एंट्री बुक बनाता हूँ, कितना मोबाइल गया कितना बाहर से आया वो सब मैं एक मेजरमेंट करके बना के रखता हूँ। तो टोटल कितने अमाउंट के मोबाइल? कम से कम 8-8.5 लाख तक का तो वैल्यूएबल रहेगा। तो ये जो कैमरा जो आपके यहाँ पे लगा हुआ है ऊपर, ये क्या हुआ था इसको? ये कैमरा चालू था तो मेमोरी कार्ड शायद भर गया रहेगा, तो उसने क्या किया 3-4 दिन पहले शायद फॉर्मेट मारा रहेगा, तो उसके बाद हम लोग सोचे आगे कंटिन्यू रहेगा, लेकिन वो कैमरा ही बंद था और वाईफाई भी बंद था। कोई इंश्योरेंस वगैरह है आपका? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कंपनी का कोई इंश्योरेंस नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं। पुलिस में कोई एफआईआर दर्ज हुई है इसके मामले में? एफआईआर दर्ज किए हम लोग ने डेली, मतलब सर आते थे इधर वेरिफिकेशन करते थे, आजू में बाजू में सामने वहाँ पता करते थे। और दूसरी चीज़ कैसा है हमको ही मतलब वीडियो फुटेज निकालने के लिए बोला गया है, मतलब कोई शॉप वाला अगर नहीं देगा तो हमको आप लोग कॉल करो, तो वो लोग आते थे ऐसा हेल्प किए, ऐसा नहीं है कि नहीं किए। मोस्टली दुकानों पे यहाँ कैमरे है तो वीडियो तो आए, बट फेस इतना समझ में नहीं आ रहा उन लोग का कि हमको कैसा पहचाने, और फिंगर भी उन लोग का लेके गए, तो मेरे हिसाब से अगर फिंगर लेके गए तो आज की तारीख में ऐसा कोई बंदा नहीं जिसका डॉक्यूमेंट ही नहीं होएगा। आधार कार्ड के बेस पे सबका रहता है, फिंगर हो गया फ़ोटो हो गया, इसके थ्रू हम कर सकते हैं अगर करना चाहे तो ये रिस्पॉन्स मुझे हम लोग को अभी तक मिला नहीं है, क्योंकि हम लोग कैसा अभी टेंशन में है। दूसरी चीज़ कैसा, यहाँ चोरी हुई ना अभी कस्टमर भी आते हैं तो उतने में कभी सीनियर आ गया तो फिर उन लोग को भी बताना पड़ता है, तो हमारा कस्टमर छूट जाता है। क्या क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से? बस हमको हमारा अगर स्टॉक मिल जाए या जो भी है, अब उससे आगे तो कुछ बोल नहीं सकते ना, ज़्यादा से ज़्यादा बस हमारा नुकसान मतलब जो हुआ है वो हमको मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। We'll be right back.
कहीं ना कहीं एक आम इंसान अपनी पूरी मूड़ी लगा करके जो है एक धंधा एक बिज़नेस स्टार्ट करता है और उसके बाद में इस तरीके का हादसा हो जाना एक इंसान की ज़िंदगी को पूरी तरीके से झिंझोड़ कर रख देता है। मेरी प्रशासन से और जो पुलिस प्रशासन है उससे मेरी मांग है कि इस चीज़ की सटीक इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार जो आरोपी लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए।